अच्छा ये आंटी जी हमें गिफ्ट कर रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं आंटी जी? स्क्वैश। कद्दू ये दिया इन्होंने गिफ्ट, इसको बोलते हैं स्क्वैश। तंदूर टाइप होता है ये, सर्दियों में बहुत काम आता है, इसके ऊपर सब्जी वगैरह भी बन जाती है और ये पूरे कमरे को गर्म रखता है। ये होता है वो तंदूर। हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है यार, और अभी अंकल जी हमें ब्रेकफास्ट कराएंगे। इधर हमें रूम मिल चुका है, बड़ा ही मस्त रूम है, ओल्ड स्टाइल बट न्यू इन द न्यू वे। वॉशरूम वगैरह अच्छे हैं, और यहाँ पर इनका किचन, और ये अंकल जी बहुत नाइस हैं, अंकल आंटी बहुत नाइस हैं। अंकल आंटी के किचन में यहीं पे खाना खाने, इन्होंने हमें ऑफर किया कि यहीं पे आओ, बोला यहीं पे खाओ, रिक्वेस्ट है बोला, तो हम ले आए अपना आंटी ने हमारा फूड ही आंटी ने दिया, हमने खेत का ताजा ताजा आलू सब्जी और चपाती हमारे चावल खाते यहाँ का। गर्मियों में तो इतना पानी चढ़ते हुए आता है कि छोटी गाड़ी के लिए मुश्किल पड़ता है। अब आजकल बिल्कुल सूखा, एक्चुअली हम तो दौड़ नहीं गए क्योंकि हमारी छोटी गाड़ी है, तो हम मनाली तो जाते रहते हैं। अंकल मनाली तो हम घूमते जाते हैं, चंद्र कार ना। बड़े नाइस अंकल आंटी है। रेडी हो चुके हैं हम, और आज हमारी गाड़ी जा रही है धनकर जाएंगे, और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमने अंकल आंटी को बोला ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, देखो क्या बनता है। ये भैया बैठ गए खाना खुला खाने, और इधर हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है यार, और अभी अंकल जी हमें ब्रेकफास्ट कराएंगे। तंदूर टाइप होता है ये, सर्दियों में बहुत काम आता है, इसके ऊपर सब्जी वगैरह भी बन जाती है और ये पूरे कमरे को गर्म रखता है। ये होता है वो तंदूर। लहसुन का अचार और ये मिक्स, और इधर आ गया पहला पराठा, और ये भैया गोभी आ गया, शुरू हो चुका है चाय के साथ अचार परांठा और बटर, मस्त लग रहे हैं परांठे। हम इधर से अलविदा लेते हैं, तो ये अंकल हैं बड़े हंसमुख और चुलबुले, और इनकी बातें बहुत याद आएंगी। इनके साथ हमने एक नाइट स्टे और सुबह का ब्रेकफास्ट भी करवाया, बहुत ही मजा आया। और ये आंटी जी बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं आंटी। तो अभी हम जा रहे हैं धनकर में, बहुत सबसे अच्छा यहाँ पे लगा, और बिल्कुल घर जैसे लगा, बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि हम किसी मतलब होम स्टे में या होटल में, बहुत अच्छा लगा। किसी को भी जब भी मतलब स्पीति या गाजा जाना हो तो जरूर जो है अंकल आंटी के यहाँ पे होम स्टे में आए। इनका साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, इंडियन डिलीशियस फूड डोलमा होम स्टे शिचलिंग में, ये इनका मोबाइल नंबर है, आप ठीक है अंकल जी, बाय बाय आंटी जी, बाय बाय। टमाटर हैं ये सारे के सारे, टमाटर ही टमाटर हैं, बहुत ज़्यादा खेती करते हैं। इस साइड भी दिखाता हूँ मैं अभी आपको, इस साइड इनकी ज़मीन है, तो गोभी वगैरह बहुत कुछ होता है इनके इधर। अभी बीजी है, अभी तैयार नहीं हुई है, ये पूरी ज़मीन इनकी है,
और ये ऊपर पूरा पूरा पहाड़, काफ़ी टफ लाइफ है। बहुत ही अच्छे अंकल आंटी हैं मेरे। अच्छा ये आंटी जी हमें गिफ्ट कर रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं आंटी जी? स्क्वैश। कद्दू ये दिया इन्होंने गिफ्ट, इसको बोलते हैं स्क्वैश। इतने चार पांच छह हो गए हमारे रसीदर आगे कल काजा से, उनको दे दे। अच्छा उनको भी दिया। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब चलते हैं। ठीक है अंकल, बाय बाय बाय। धनकर मोनेस्ट्री को विजिट करना है, ये लेफ्ट वाला रोड जो है ये काजा को जाता है और